नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू घर की सहेली। मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पे गर्मा गर्म पकौड़े रेडी हैं, तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी इनको टेस्ट कर लीजिए। सो आज मैं आप लोगों के लिए ये गर्मा गर्म भाजी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही क्रंची बनेंगे और कुछ खास टिप भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने दाल ली है, मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल और छिलके वाले मूंग की दाल। इन सब का जो रेशियो लिया है 4-4 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून के करीब कच्चे चावल, जिनको रात भर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, और ये फूल करके डबल हो गए हैं। तो चलिए मैं इसको मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेती हूँ। सो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे दाल को पीस लिया है मिक्सी में, और इसे हम बहुत महीन नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। ऐसा करने से पकौड़ियों का जो क्रंच रहेगा वो बहुत अच्छा आता है। तो चलिए मैं हम इसमें मिलाने वाले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया लिया है, जिन्हें तवे पे रोस्ट कर लिया है खुशबू आने तक। ऐसा करने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के जीरा लिया है, इसको भी तवे पे भून लिया है खुशबू आने तक। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिनको बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मोटा कट कर लेंगे, बहुत बारीक ना कट करें, क्योंकि इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा तीखापन। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है 1 कप, जिसको धो के अच्छे से क्लीन कर लिया है, और इस तरह से बारीक कट कर लेंगे। हरा धनिया का फ्लेवर इन लच्छों में या फिर भजिया में बहुत अच्छा आता है, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें हम अभी नमक नहीं डालेंगे, नमक हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे डालेंगे, जब हम पकौड़े तलने लगेंगे उस वक्त। तो तब तक हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, इसको मिक्स करने का एक अच्छा प्रोसेस है, जिसको कि फेंटना कहते हैं। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे दाल को, ऐसा करने से दाल हल्की होगी और हमारी भजिया या फिर पकौड़े, जो भी आप कहते हैं, बहुत ही अच्छे बनेंगे और कुरकुरे बनेंगे। इसमें अगर आपके पास चावल का आटा हो तो इसमें चावल का आटा ऐड करें, तो उससे और भी अच्छा क्रंच आएगा। तो हम इसको एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे इस तरीके से, अच्छे से इसको फेंटें। ऐसा करने से दाल के अंदर तक वैक्यूम बनेगा, जिससे कि हमारी दाल हल्की होगी और भजिया या फिर पकौड़े बहुत ही क्रंची बनेंगे। और अगर आपके पास हींग है तो इसमें हींग ज़रूर ऐड करें, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जब तक मैं ये दाल को फेंट लेती हूँ, तब तक हम तेल को गरम कर लेते हैं। तो ये लीजिए, यहीं पे मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है। तो अब हम वेट करेंगे कि तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो। सो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, और मेरे पास टिश्यू पेपर नहीं है, तो मैं इस तरह से ये जो कॉपी होती है ना, जो रफ कॉपी होती है, उसके पेजेस ले लिए हैं, और यहाँ पर मैंने इनको सेट कर दिया है। जब हमारे पकौड़े बन करके तैयार हो जाएंगे तो हम इसी पे निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल होगा वो इन पेपर्स पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, वहाँ पे तेल भी गरम लगभग हो ही चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी। नमक हमेशा एंड में ही ऐड करें, जब हम पकौड़े तलने वाले हों। ऐसा करने से नमक डालने पर पानी छोड़ देगा हमारा जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, और पकौड़े बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, बाइंडिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी।
अब यहीं पे मैं स्वादानुसार नमक ऐड करूंगी। अब इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे ट्राई करने के बाद तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए नए नए वीडियोस और नई नई रेसिपीज़ बनाने के मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह से नए नए वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँ। तो बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो ये लीजिए, बातों ही बातों में हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे तेल भी एकदम से तैयार है। और ये मिक्सचर जैसे कि बोल रहा हो, फटाफट से हमें फ्राई करिए। और बाहर में बहुत अच्छी बारिश भी हो रही है तो ये पकौड़े मिल जाए और गरम गरम चाय, तो फिर तो दिन ही बन जाए। तो चलिए अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। आप चाहें तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इनको इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए और इस तरह से प्रेस कर लूँगी, ये इस तरह से। और ऐसे ही हम लच्छे बना करके तैयार कर लेंगे और एक एक करके हम गरम तेल में इनको फ्राई करते जाएंगे। तो चलिए ये मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगे शेप वैसा शेप दें। अब इन सभी को लो फ्लेम पे हम फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे भजिए बिल्कुल अंदर तक पक जाएं। अगर हम इसे तेज आंच पे या तेज गैस पे हम पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पे ये भजिए हम लोगों ने फ्राई कर लिए हैं लेकिन ये अभी पूरी तरह से नहीं पके हैं। इनको मैंने आधा कच्चा रखा है क्योंकि जो हलवाई स्टाइल होते हैं, जब हम बाहर में खाते हैं तो वो यही ट्रिक अपनाते हैं भजिए को क्रिस्पी करने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, इन सभी भजियों को इस तरह से प्रेस कर लेंगे, लाइक इस तरह से। ध्यान रहे गर्म नहीं होना चाहिए ये। इस तरह से हम सभी भजियों को इस तरह प्रेस कर लेंगे और चपटा कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे पकौड़े हैं या फिर भजिया हैं वो अंदर तक क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, इन सभी को मैं एक एक करके इसी तरह से चपटा करती जाऊंगी। ये देखिए, ये वाला गरम है तो ये नहीं हो रहा है, तो जो ठंडे हैं उनको मैं इस तरह से कर लेती हूँ और इनको दोबारा से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये भी कितनी अच्छी तरह से प्रेस हो गया है। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें दोबारा से हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारे गर्मा गर्म भाजी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब इसे आप किसी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ में सर्व करें। यह है मीठी सॉस और ये लीजिए, ये खट्टी मीठी टमाटर, दोनों के दोनों चटनी हाजिर है। और अब इंतज़ार किस बात का, तो चलिए आ जाइए, आप लोग भी इसे टेस्ट कर लीजिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये मेरी रेसिपी ट्राई करी हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।